हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास स्टीम एप्लीकेशन में ये एरर आ रहा है, एरर कोड E84, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं विंडोज़ पीसी में से, तो आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस भी जो है बनाते हैं टेक से रिलेटेड। आप जो है हमारे चैनल में शॉर्ट के सेक्शन में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है रन कमेंड ओपन करना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है, फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर टेम्पोररी फोल्डर्स जो है ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ये सारे फाइल्स को जो है सेलेक्ट कीजिए, ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर आप जो है इसको डिलीट कीजिए। ओके, इस तरीके से आपको ये सारे फाइल्स डिलीट करना है। फिर आपको जो है इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से रन कमांड ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है। इस तरीके से टाइप कर आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर से भी टेम्पररी फाइल्स आपको डिलीट कर देना है, ऑल फाइल्स सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर से आप इजीली इसको डिलीट कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेम्पररी फाइल्स यहाँ पर डिलीट हो गए हैं। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कीजिए आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास यहाँ पर डेट एंड टाइम रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कीजिए। उसके बाद आप जो है सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टीम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है स्टीम, उसके बाद आप इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टीम एप्लीकेशन ओपन हो गया है। आपके पास साइन इन नहीं हो रहा है तो आप जो है इसको यहाँ पर हेल्प आई कैन नॉट साइन इन इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर आई फॉरगेट माई स्टीम अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर स्टीम अकाउंट जो है ईमेल से या फ़ोन नंबर से ओपन किया है तो आप यहाँ पर उसको टाइप कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में चेक कर यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप अपना स्टीम अकाउंट पासवर्ड जो है चेंज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।